हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम सोन मंदिर है। शुभम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। स्वागत सर आपने बुलाया। थैंक यू। तो जैसे हमारे नाइट सफारी गाइड शुभम ने हमारा स्वागत किया, वैसे ही हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस अनोखी वीडियो में। अनोखी इसलिए क्योंकि आज हम आपको पहली बार घर बैठे घने जंगल की नाइट सफारी का एक्सपीरियंस देंगे। सैंक्चुअरी एरिया चल रहा है हमारा, जो 45 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है। और ये विलेज भी वाला विलेज जा रहा है, मुझे पता है सेकंड बी टी कौन आएगा, वहाँ से अपना प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। और इसी का गया हुआ अजयगढ़ और कॉलेजर फोर्ड के लिए रास्ता, तो उसमें काफ़ी लोकल के गाँव जुड़ी हुई, तो इसमें अभी ट्रैफिक रहता है इस टाइम से। अच्छा। काफ़ी लोग जो बाहर मार्केट गए हुए हैं आते जाते रहते हैं, इसके कारण यहाँ पर साइटिंग के चांस कम होते हैं। इसमें जंगल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन साइटिंग के चांस कम रहते हैं। नॉर्थ सिंगा भी यहाँ पर साइटिंग के चांस कम जाएंगे, उसमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन जंगल भी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेपर्ड, स्नोफ बियर और हाइना। अच्छा। अभी करीब 4-5 दिन पहले टाइगर भी मिला था, नया मेल टाइगर आ चुका है इसके लिए। अच्छा। तो वो भी अपने शायद अगर बढ़ गई उसकी साइटिंग, जो यहाँ पर भी टाइगर तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ इस जंगली खरगोश से। सफारी की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जब सफारी में नेवला दिखे तो बाघ के दर्शन ज़रूर होते हैं, और जब यह जंगली खरगोश दिखे तो बाघ के दर्शन नहीं होते। पलक झपकते ही खरगोश अंधेरे में फरार हो गया। यह हमारी ज़िंदगी की पहली नाइट सफारी थी, और इस वीडियो में हम आपको पन्ना के दोनों बफर जोन की नाइट सफारी करवाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। अभी वीडियो की शुरुआत की ये सफारी जिन्ना नाम के बफर जोन में है। शुरू के 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर हम फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर पहुँचे, जहाँ से हम जंगल के कोर जोन में प्रवेश करने वाले थे। जिन्ना बफर में कुछ गांव वाले भी बसे हैं, और इसलिए आपको यहां बाइक से घूमते गांव वाले दिख सकते हैं। जंगल के अंदर पहुंचे तो हमें मिला एक गीदड़, यानी कि गोल्डन चेकॉल, क्योंकि गीदड़ एक स्कैवेंजर है, जिसका मतलब कि ये ज़्यादातर खाना खाने के लिए मरे हुए जानवरों को ढूंढता है और उन्हीं को खाता है। कभी कभी ये छोटे मोटे शिकार भी कर लेता है। अपने इसी जीवन शैली के कारण ये जब भी आपको जंगल में दिखाई देगा, हमेशा अपना मुंह नीचे ज़मीन की ओर कर सूंघता हुआ इधर से उधर घूमता हुआ दिखेगा। इस तरकीब से ये अपने लिए खाना ढूंढता है। वैसे तो गीदड़ को डरपोक माना जाता है, पर इस वाले ने हमको काफी समय दिया। ये हमको एक तालाब के बहुत पास मिला, लेकिन इसके बर्ताव से ये नहीं समझ आ रहा था कि ये तालाब के उस पार जाना चाहता है, पानी पीना चाहता है, या कुछ खाने को ढूंढ रहा है। जब तक ये गीदड़ डिसाइड करे कि उसको करना क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि पन्ना में नाइट सफारी सिर्फ बफर जोन्स में होती है, और पन्ना में दो बफर जोन्स हैं, जिन्ना और अकोला। हमने एक शाम सफारी जिन्ना में करी और एक शाम अकोला में। इन दोनों जोन्स में फ़र्क ये है कि जिन्ना में आपको काफ़ी वाइल्ड लाइफ दिखने के चांसेस हैं, जैसे कि तेंदुआ, भालू, हाइना, रस्टी कैट,
और अकोला की खासियत है वहां के लैंटना के पेड़। लैंटना के पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि एक नेचुरल गुफा, और ऐसी गुफा बाघ के छुपने के लिए परफेक्ट है। इसलिए पन्ना में नाइट में बाघ की सबसे ज़्यादा साइटिंग अकोला में ही होती है। अभी के समय अकोला में 6 से 7 अलग अलग बाघ की टेरिटरी है। कुछ देर बाद ये जेकॉल अपने रास्ते निकल गया और हम अपने। बहुत से लोग ये सोचते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि आखिर ऐसे रात को अंधेरे में जब बिना टॉर्च के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इतने घने जंगल के अंदर खुली गाड़ी में सफारी करना कितना सेफ है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि रात को जंगल जाने में जोखिम नहीं है, ज़रूर है, मगर आप अगर एक्सपर्ट गाइड ड्राइवर के साथ जाएं और बिल्कुल भी शोर ना करें तो आपका खतरा अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि खतरा तो पहाड़ चढ़ने में भी है, स्काई डाइविंग में भी है, फिर लोग थ्रिल के लिए तो बहुत कुछ करते ही रहते हैं। अब इस शॉट को देखिए, दूर से कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हम कैमरे में किसका फुटेज ले रहे हैं। नाइट सफारी में अच्छे कैमरे के बिना शॉट्स लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल कैमरास इतनी कम लाइट में फोकस नहीं कर पाते। आसपास इतना अंधेरा था कि हमारे पीछे अगर कोई जानवर हो भी तो भी हमें पता ना लगे। आइए आपको कैमरा के लेंस से दिखाते हैं कि हम किस जानवर को शूट कर रहे थे। बहुत साल पहले यहाँ एक पुराना रिजॉर्ट हुआ करता था जहाँ से वॉकिंग सफारी भी होती थी। उसी रिजॉर्ट के आसपास ये नील गाय का एक छोटा सा झुंड बैठा था। हमारे लेंस बड़ा होने के कारण हम दूर से इनको बिना परेशान किए इनकी वीडियो बना पा रहे थे। सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद इस रिजॉर्ट को फिर से किसी न किसी काम के लिए शुरू किया जाएगा। रात होने के कारण इन जानवरों का फुटेज एकदम धुंधला धुंधला सा आता है, क्योंकि ये एकदम घने अंधेरे में बैठे हैं और लगभग 200 मीटर की दूरी से हम सिर्फ इनको गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में देख पा रहे थे। आजकल ऐसे भी कैमरास आ गए हैं जो बिना लाइट के ही रात में जानवरों का अच्छा वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था जिसका नाम था नाइट ऑन अर्थ। और हाँ, रात के वक्त फोटो लेना और भी ज़्यादा मुश्किल है। एक अच्छी वीडियो लेने में आप फिर भी कामयाब हो सकते हैं, पर फोटो में फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नीलगाय को देखने के बाद हम उस बंद रिजॉर्ट से बाहर आ गए। सोच के अजीब भी लगा कि कुछ साल पहले यहाँ लोगों के घूमने, हंसने, खाने पीने की आवाज़ें आती होंगी, और आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है और जंगल की शांति है। हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी और आवाज़ नहीं थी। थोड़ा ही आगे बढ़े तो हमें उस झुंड का नर नीलगाय भी मिल गया। आम तौर पे जंगल में आपको नर नीलगाय अलग से अकेले घूमते ही दिखेंगे, और सारी मादाएं और बच्चे एक साथ झुंड में, जैसे आपने 5 मिनट पहले देखा। नर नीलगाय बाघ का पसंदीदा शिकार है। बाघ से अपनी जान बचाने के लिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भाग सकता है।
वैसे तो हमने इससे भी काफ़ी दूरी बना के रखी थी, पर फिर भी ये डिस्टर्ब हो गया और उठ के जाने लगा। हमें भी आगे बढ़ने की नहीं सोची कि बेहतर है कि वो अपने रास्ते निकल जाए और हम जंगल की दूसरी ओर बढ़ जाएं। और आगे बढ़े तो हमें मिल गया जंगल का सबसे शातिर जानवर, बताइए क्या? लोमड़ी। जंगल में दिन में लोमड़ी दिखने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और वही रात में ये सब नॉक्टर्नल एनिमल्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। यकीन मानिए, ये लोमड़ी लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक हमारे साथ चली। और इस लोमड़ी को देखते देखते हम जिन्ना से बाहर भी आ गए। अब जिन्ना के बाद अगली रात हमने सफारी की अकोला में, एक गर्म चाय पी के शुरू करते हैं। द फाइनल नाइट सफारी इन पन्ना, आखिरी रात है। कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए वापस। ये ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए, टाइम 6:15 के आसपास है। बस इसके पीछे चारों तरफ जंगल है। चाय आ गई है, चाय दे दो। थैंक यू। इस सफारी में हम सिर्फ और सिर्फ बाघ को ढूंढने निकले थे, क्योंकि अकोला में नाइट सफारी में बाघ की साइटिंग बहुत अच्छी होती है। अकोला में 2 साल पहले हीरा और पन्ना ने बहुत ज़बरदस्त साइटिंग दी थी। यहाँ तक कि गांव वाले शर्त लगा के टूरिस्ट को लाते थे कि भाई साहब बाघ दिखे तो ही पैसे देना। पर पिछले साल ही सुनने में आया कि इनमें से हीरा इलेक्ट्रिक करंट से मर गया और पन्ना कहीं पीछे को निकल गया, इसलिए अकोला में अब हीरा पन्ना के बस किस्से ही रह गए हैं। आपको समय मिले तो देखिएगा जरूर हीरा और पन्ना की साइटिंग। सर, ये नाइट सफारी आपका पहला है या दूसरा? दूसरा, कल रात को किया था जिन्ना। अच्छा, कब किया था? कल रात। अच्छा, कब जिन्ना गए थे? हाँ। अच्छा, मैं सतना गया था। अच्छा, आप सतना? जाने वाला था। अच्छा, कल लाल सिंह लेके गए थे? भाई साहब बोले आप सतना चले जाओ और सर आएंगे तो लाल सिंह। अच्छा अच्छा, वैसे जो बफर दिन में सफारी होती है वो भी इसी रूट पे होती है? हाँ, सेम रूट है। सेम। अच्छा, सेम। हमें रस्टी कैट दिखी बट वो भाग गई। फिर फॉक्स दिखा, जैकॉल दिखा, नीलगाय थी, रेयर में कुछ नहीं मिला। उल्लू दिखा, वो उड़ गया था, और लेपर्ड, बेयर, टाइगर वगैरह नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे सुना है ज़्यादा, यहाँ हीरा पन्ना की बहुत सुना है। अब चले गए, मर गया एक तो, मर गया शायद हीरा, दूसरा गायब है। तो अब यहाँ कौन कौन से टाइगर दिखते हैं? अच्छा, हाँ, अच्छा, उस तरफ। एक 37 नाम सुना था, वो भी है। एक और है, अभी नया मेल आया है, 21 नंबर करके है, वो भी आता है कभी कभार। सामने क्या है? जंगल है। ठीक है, ठीक। हाँ, ये भी कल दिखा। अभी वो नहीं हुआ जानकारी कौन सा। अच्छा।
एरिया इसका कम है और टाइगर का मूवमेंट अच्छा रहता है टाइगर की वजह से टाइगर का मूवमेंट ज्यादा है तो लेपर्ड कम है। अच्छा दिखता है कम दिखता है। पुष्पेंद्र भैया आप सिर्फ नाइट में जाते हैं? नहीं, दिन में भी जाते हैं। दिन में जाते। नाइट का राउंड आया। अच्छा रोस्टर्स। हाँ। नाइट में सबसे शानदार साइटिंग क्या हुई आपको आज तक? सबसे शानदार साइटिंग रात में टाइगर ही का ज्यादा मूवमेंट रहता है। हाँ हाँ, बट कैसी साइटिंग हुई थी जो यादगार हो? यहीं पे हुई थी एक बार। हाँ। 23 की मतलब उसने चार्ज किया था। हाँ, चार्ज किया। हाँ। था रात के वक्त। हाँ। पसीना छूट गया एक बार। हाँ। फीमेल है वो? हाँ, फीमेल। बच्चों के साथ थी? बच्चों के साथ में। बच्चे तो उसमें बड़े बड़े हुए। हाँ, जब छोटे रहे होंगे तब तो चार्ज कर देते। जो टूरिस्ट आए होंगे आपके साथ वो तो काफी डर गए होंगे। हाँ, काफी डर गए। फिर पीछे पीछे की थी आपने गाड़ी? बोल रहे थे, बोले यहाँ पे कुछ नहीं है, टाइगर आएगा, तुम लोग चूतिया बना रहे हो, पैसा लूट रहे हो तुम। अरे बाप, फिर वो खुद लुट गए। वो बोले भैया मजा आ गया, ऐसा टाइगर पहली बार देखा। उस समय सर यहीं पे नीचे उतरे थे सब लोग। हाँ। अच्छा, सेल्फी पॉइंट पे? हाँ, नाइट। अरे वो अचानक आ गए एकदम से। ने मान लिया कि यहाँ टाइगर नहीं है वो कुछ भी करे। जिसने मान लिया नहीं है उसी को दिख रहा है। रोरिंग और ग्राउलिंग भी सुनाई दे जाता होगा कभी कभी। आपने भैया कभी मल्टीपल टाइगर्स देखे हैं रात को? मतलब एक से ज्यादा? हाँ, एक ही साथ माँ बच्चे हो गए। हाँ, देखे हैं। पांच टाइगर थे। पांच देखे एक साथ। पांच एक साथ बैठे। हाँ। चार बच्चे देखे, मेल फीमेल तीन बच्चे। हाँ। बैठे हुए थे या? हाँ, जा समर के दिनों में सर क्या है, T7 ने कल किया था। हाँ, सर बने होते हैं ना। हाँ जी, वही वही पे शाम को पानी पीने आते तो पाँच मिल गए। उसकी शायद वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, दिखाना आपको। अकोला की सफारी में आप सड़क के दोनों तरफ बाघ को ढूंढ सकते हैं। इस तरफ कुछ ना मिलने पे हम दूसरी ओर जाने लगे। कौन से टाइगर की टेरिटरी? ये सर 234 है। 234 मेल फीमेल? फीमेल से। फीमेल पीछे तो पूरा सुना था ना? हाँ, ये सुना था। अच्छे से हमने पूरा अंदर तक चेक किया। 7 और 23 इस तरफ मूवमेंट ज़्यादा रहता है। 7 इस तरफ भी आता है। अच्छा, 234 के साथ बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे। कितने बड़े? अभी समर टाइम तो थे करीब 12 माह के बच्चे। अच्छा अच्छा, साथ ही होंगे बट बड़े होंगे, सेम साइज के होंगे। और यहाँ एक P111 भी था, तो इसके इस हाईवे में एक किनारे बॉडी पाई गई थी। अच्छा, मर गया? हाँ, तो बोलते हैं उसकी किडनी फेल हुई थी। अच्छा, और मुझे लगता है कि हो सकता है किसी गाड़ी का धक्का लगा। हाँ, वो भी हो सकता है। हाईवे के किनारे बॉडी पाई हुई थी, उसके बाद सब कम भी जाएगी। सही।
नाइट सफारी में सिर्फ बाघ, तेंदुआ और भालू ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे पक्षी भी दिखते हैं जो आपको कभी भी दिन में दिखाई नहीं देंगे, और इतने तो ऐसे होते हैं जिनके हमें नाम तक नहीं पता। जैसे हमें नाइट चार तो कई सारे दिखे। पन्ना या मध्य प्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी करने के लिए आपको लगभग 5,000 से 6,000 रुपये देने होते हैं, और इन सफारी में आप एक दो सीट नहीं बुक कर सकते, आपको पूरी जीप बुक करके जाना होता है। हम एकदम ठंड के मौसम में गए थे इसलिए हमारे अलावा कोई भी और जीप सफारी पे नहीं आई थी। गर्मियों में फ़ायदा होता है कि दो तीन जीप अलग अलग जगह ढूंढती हैं तो बाघ के मिलने के आसार ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी की ये पहली नाइट सफारी थी तो थोड़ा सा डर तो हमें भी लगा, पर मज़ा इतना आया कि अब वापस मन करता है कि कोर की सफारी छोड़कर एक नाइट सफारी करने को मिल जाए। इन दोनों ही सफारी में हमें कोई भी बिग कैट नहीं मिली, पर कुछ बहुत ही अनोखे जीव हमें अपनी आंखों से देखे और ये महसूस किया कि रात का जंगल आखिर होता कैसा है।